ऑल राइट, साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर क्या आपको पता है? क्लाउड सिक्योरिटी। अगर विश्वास नहीं होता तो मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है प्रूफ के साथ, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लेना, आई बटन में मैंने लिंक दे रखी है, ठीक है। तो क्लाउड सिक्योरिटी हमारे आने वाले टाइम का फ्यूचर है। अब हम लोग साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब मैं हर बार इस चैनल के ऊपर वीडियोस बग हंटिंग से रिलेटेड बनाता हूं, तो कई सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी में जो और बहुत सारी चीजें उसके ऊपर वीडियोस बनाओ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे कुछ ट्राई करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बग बाउंटी के पर्सपेक्टिव से बग बाउंटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और क्लाउड सिक्योरिटी, ये तीनों तीन को साथ में देखने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमेजॉन S3 बकेट्स का या फिर अमेजॉन क्लाउड सर्विस का। तो अमेजॉन क्लाउड सर्विस की वल्नरेबिलिटीज कैसे फाइंड करनी और क्लाउड मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इसके साथ साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये वीडियो में मैं आप लोगों को गारंटी देकर बताता हूं कि आप लोग क्लाउड सिक्योरिटी की जर्नी आज इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप बग हंटिंग करते हो तो बग हंटिंग में S3 बकेट्स के रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना सीख जाओगे और बहुत कुछ एडवांस चीजें सीखने वाले हो। उसके कुछ अलग अलग इस वीडियो के पार्ट होने वाले हैं, सिटी ऐप सॉल्व करने वाले और बहुत कुछ करने वाले हैं अमेजॉन क्लाउड सर्विस के साथ रिलेटेड। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, वीडियो को देखते रहना एंड तक। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन द एग, दिस इज साइबरजील और ये वीडियो है अमेजॉन वेब सर्विसेज, S3 बकेट्स, क्लाउड मिसकॉन्फ़िगरेशन, जो भी समझना चाहते हो उसके बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। तो अब मैं सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा ना कि अमेजॉन वेब सर्विस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि AWS क्या है, ठीक है। आप लोगों ने कई बार बग हंटिंग करते समय ये चीजें देखी होगी, S3 बकेट्स और वो सब, लेकिन उसका बेसिक अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें, ठीक है, देखते भी हो कहीं पर तब भी आपको उसका मीनिंग नहीं पता होता कि भैया S3 बकेट्स ये है क्या, काम कैसे करता है, वो शायद आपको पता होगा लेकिन ये होता क्या है वो नहीं पता होता है। तो हम सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं व्हाट इज अमेजॉन S3। अब ये अमेजॉन S3 भैया है क्या? अमेजॉन तो पता है हमको एक कंपनी है, लेकिन ये S3 ये क्या है? तो बेसिकली अमेजॉन S3 एक अमेजॉन सिंपल स्टोरेज सर्विस है, ठीक है। तो अमेजॉन S3 एक S3 जो वर्ड है ना, वो इन तीन वर्ड्स का एक मिक्स किया हुआ वर्ड बनाया हुआ है कि सिंपल स्टोरेज और सर्विस, SSS, तो S3, तो अमेजॉन सिंपल स्टोरेज सर्विस। अभी अमेजॉन सिंपल स्टोरेज सर्विस होता क्या है तो मैं आपको बताता हूं। अमेजॉन सिंपल स्टोरेज सर्विस इस तरीके का होता है। अब ये क्या है? जी आप सभी को पता है ये बकेट है। तो अब बकेट में यहां पर लेकर क्यों बैठा हुआ हूं? क्योंकि भैया अमेजॉन सिंपल स्टोरेज सर्विस इसी के ऊपर काम करता है। जी हाँ, अगर विश्वास नहीं होता है तो हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये एक अमेजॉन का वेब सर्विस है, ठीक है, और ये S3 बकेट है जो मैंने ओन कर रखी है, ओके। अब ये मेरे पास है, अब मैं इसके अंदर कोई डेटा भी डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पर कुछ पड़ा होगा तो मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो एक लाइट पड़ी है, समझ लो कि ये डेटा है। अब इस डेटा को मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये लाइट जो कंपनी की है उसको समझ लो कि वेब सर्वर है, ठीक है, वो तो एक अमेजॉन का वेब सर्वर, ठीक है। हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये अमेजॉन का वेब सर्वर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये बाल्टी है। अब इस बाल्टी के अंदर मैंने डेटा डाला हुआ है, तो ये डेटा जो मैंने इस बाल्टी के अंदर डाला है उसको एक्सेस सिर्फ दो जने कर सकते हैं, ठीक है। एक अमेजॉन सर्वर एक्सेस कर सकता है और एक मैं और ये बाल्टी, मतलब हम दो एक ही चीज है अभी, ठीक है। तो मैं कर सकता हूं, जिसने इस डेटा को अंदर डाला है, ये बकेट एक्सेस कर सकता है और अमेजॉन वेब सर्वर एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा इस डेटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखता हूं। तो अब मान लो कि अमेजॉन सर्वर और इस बकेट के अलावा मेरी एक वेबसाइट मैंने स्टार्ट करी है, spinthehack.in, ठीक है। और हाँ, ये रियलिटी में ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है जल्द ही, हिंदी में हम ब्लॉग्स लिखेंगे साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीजें। तो अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया तो थोड़ा सा ट्रैफिक वहां पर दे सकते हो, अभी तक वहां पर कुछ है नहीं लेकिन जल्दी आ जाएगा। पॉइंट पे आते हैं, spinthehack.in मैंने एक वेबसाइट शुरू कर दी, ठीक है। अब इस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को लैपटॉप का फोटो दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब इस फोटो को मैं अपने S3 बकेट से लाना चाहता हूं, ठीक है। तो अभी ये जो S3 बकेट मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, S3 बकेट इसको समझ लो, इस S3 बकेट के अंदर जो डेटा है ना, ये डेटा वो फोटो है, ठीक है। तो ये डेटा मैंने डाल दिया, ये हो गया अमेजॉन का वेब सर्वर और ये अमेजॉन वेब सर्वर की S3 बकेट्स। अब ये दोनों चीजों के साथ साथ मुझे ये भी चाहिए कि जो मेरी वेबसाइट है वो भी इस डेटा को एक्सेस कर सके, क्योंकि अभी तक सिर्फ अमेजॉन का वेब सर्वर और यहां पर ये बकेट, ये दोनों के अलावा इस डेटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता था।
लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो वेबसाइट है spinthehack.in वो भी इस डेटा को एक्सेस करे। तो अब इसको करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं S3 बकेट, अब देख लो यहां पर ये S3 बकेट मैंने रख दिया इसके साथ। अब इसके साथ मेरे को लिंकेज बनवाना है, ठीक है, किसके साथ, यानी कि जो वेबसाइट है मेरी उसके साथ मेरे को इसका लिंकेज बनवाना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट पर डेटा जो जाएगा, लैपटॉप का जो फोटो जाएगा, वो फोटो यहां से लोड होकर जाएगा। ओके, अब मैं फिर से इसको साइड में रखता हूं थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं बकेट को कॉन्फ़िगर करूंगा, अमेज़न वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करूंगा, वहां पर कुछ एंट्रीज डालूंगा कि भैया, ठीक है। तो यहां पर अब इमेजिन कर लो कि ये एंट्री डाल रहा हूं मैं, ठीक है, मस्त हट्टा कट्टा सा हूं, एंट्री मैं डाल रहा हूं, ये S3 बकेट है और मैं वहां पर लिखे जा रहा हूं कि भैया spinthehack.in को ये वाले फोटो में, ये वाला फोटो चाहिए, उसको दे देना जब भी वो एक्सेस करता है तब, ठीक है, ये परमिशन मैंने डाल दी। अब यहां पर मैं चीजों को जानता हूं, मैं टेक्निकल इंसान हूं, मेरे को पता है बहुत सारी चीजें, तो मैं अच्छे से कॉन्फ़िगर करूंगा, ठीक है। या फिर कोई कंपनी का ये इंसान जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर मोटू सा, वो कोई कंपनी में काम करता है, वो कंपनी बहुत ही बड़ी है, जैसे कि बहुत बड़ी कंपनी कोई भी हो सकती है, मान लो मैं नाम नहीं लेता हूं यहां पर, तो अब वो वहां पर काम कर रहा है, वहां का एम्प्लॉय, तो उसको नॉलेज होगा, तो वो अच्छे से कॉन्फ़िगर करेगा। अब ठीक है, अब मान लो कि S3 बकेट, हम आगे बाद में बढ़ते हैं, जो मैं आगे बोल रहा था उसको भी रोको। तो मान लो कि S3 बकेट कॉन्फ़िगर कर लिया। अब S3 बकेट को कॉन्फ़िगर करने के बाद ये वेबसाइट, ये S3 बकेट और ये अमेज़न वेब सर्वर, ये तीनों तीन आप डेटा को एक्सेस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पहले सिर्फ अमेज़न सर्वर था, लेकिन अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा spinthehack.in भी आ चुका है। तो अब ये बाल्टी, अमेज़न वेब सर्वर और spinthehack.in, हम तीनों तीन इस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं जो इस बाल्टी के अंदर है। लेकिन कुछ कुछ कंपनी, लेकिन ठीक है, बट कुछ कुछ कंपनियां ऐसे एम्प्लॉयज नहीं रखती है, कुछ कुछ कंपनियां ऐसे एम्प्लॉय रखती है और उनको सैलरी कम देती है। अब ये मोहतरमा, ठीक है, अपने मस्त माहौल में बकेट को कॉन्फ़िगर कर रही थी, ठीक है। अब ये बहना यहाँ पर बकेट को कॉन्फ़िगर कर रही है अपनी धुन में, अपनी मस्ती में, तो वो बकेट को कॉन्फ़िगर करते समय कुछ गलतियां करेगी, नो डाउट करेगी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन करना थोड़ा सा हार्ड होता है, जो टेक्निकल इंसान होता है उसको समझ में आता है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता है। तो अब ये मोहतरमा यहाँ पर, ठीक है, S3 बकेट को कॉन्फ़िगर करिए कि भैया S3 बकेट का जो डेटा है वो spinthehack.in के पास भी जाना चाहिए। अब ये कॉन्फ़िगर कर रही है और ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं कर रही है, तो क्लाउड सिक्योरिटी के लिए कंसर्न हो जाता है। अब क्यों, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब इमेज में कोई भी नहीं देने वाला, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। कुछ कंपनियां जैसे कि अमेज़न हो गई, खुद अमेज़न की बात कर लो, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लो, गूगल की बात कर लो, या जो फ्लिपकार्ट है और स्नैपडील है, जो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको हम रेगुलर यूज़ करते हैं, अगर वो S3 बकेट यूज़ करती है या फिर कोई भी क्लाउड सर्विस यूज करती है, तो वो क्लाउड सर्विस के अंदर सिर्फ अपने इमेजेस, एसेट्स, ऐसी छोटी मोटी चीजें रखती है, ठीक है, अपना पूरा डेटा क्लाउड में नहीं रखती है, ठीक है, अपना कुछ डेटा वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखती है और कुछ डेटा क्लाउड के अंदर रखती है। तो अब instagram.com का हम देख लेते हैं, instagram.com अपने फोटोज जो है, हम जो पोस्ट करते हैं फोटोज, वो फोटोज सारे के सारे अपने S3 बकेट में रखती है, लेकिन जो डेटा होता है, हमारा पासवर्ड है, जो हमारा ईमेल एड्रेस है और वो सारी चीजें, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में रखती है, वो फिजिकल सर्वर में रखती है, ठीक है। अब जब भी instagram.com हम ओपन करते हैं, तो instagram.com को ओपन करते समय जब भी हमारे वेबसाइट को, हमारे एप्लीकेशन को इमेजेस चाहिए, तो वो इमेजेस सर्वर से लोड करता है और बाकी चीजें हैं वो हमारे फिजिकल सर्वर से लोड करता है, ठीक है। इमेजेस क्लाउड सर्वर से लोड होंगे, बाकी चीज़ें वो फिजिकल सर्वर से लोड होगी, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे करती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनको अच्छे से पता नहीं होता है क्लाउड के बारे में, वो क्या करती है, वो अपना पूरा का पूरा डेटा ही चढ़ा देती है क्लाउड के ऊपर, और वहां पर मोहतरमा ऐसी बैठी होगी और वो सारा का सारा डेटा क्लाउड के ऊपर चढ़ा रही है, तो वो क्लाउड मिसकॉन्फ़िगरेशन अपना अच्छे से कर नहीं रही है कॉन्फ़िगर, तो वो मिसकॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और मिसकॉन्फ़िगरेशन हो जाता है तो वो बहुत बड़ा क्लाउड सिक्योरिटी का कंसर्न बन जाता है। अगर ऐसा हुआ तो वो सारा का सारा, अगर एक भी चीज़ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी लीक हुई, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा क्लाउड का डेटा लीक हो सकता है, क्योंकि सब कुछ मोहतरमा ने क्लाउड के ऊपर चढ़ा रखा है। जबकि इंस्टाग्राम थोड़ी सी इंटेलिजेंट है, और वो इंटेलिजेंट है तो वो थोड़ा सा अपने इस वाले बाल्टी में रखेगी और थोड़ा सा अपने फिजिकल सर्वर में रखेगी, जो उनकी बिल्डिंग के अंदर होता है, जो उनकी ऑफिस होती है, जो उनका हेडक्वार्टर्स होता है, वहां पर रखेगी। तो अगर ऐसा होता है तो एक क्लाउड सिक्योरिटी का कंसर्न है। अब एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर हम लोग इस मिसकॉन्फ़िगरेशन को हमारे लिए एक वल्नरेबिलिटी बना सकते हैं। आई होप कि यहां तक आप लोगों को ये थियरी पार्ट समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को पहले से देख लो, समझ जाओगे, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है समझने का। लेकिन अब एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर हम इस मोहतरमा की गलती को उठा सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं, और हम यहां से पैसे कमा सकते हैं, हम यहां से बाउंटी निकाल सकते हैं। तो अब बाउंड्री निकालने के लिए हमको बग फाइंड करना पड़ेगा, वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। अब वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले रिकॉनासिस करना पड़ेगा। रिकॉनासिस में हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा कि भैया ये कंपनी अमेज़न की बकेट यूज करती है, क्या करती है, कैसे कैसे काम चलता है।
अब आगे के जो भी पार्ट्स हैं वीडियो अभी जो आगे चलने वाले और आने वाले जो वीडियोस के पार्ट हैं उसके अंदर हम इसी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के ऊपर बात करेंगे। थियरी यहां तक ही थी, थियरी अब आगे कुछ भी नहीं होने वाली। अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले पैसिव रिकॉग्नाइसिस। अब आप लोगों को पैसिव रिकॉग्नाइसिस करना है। पैसिव रिकॉग्नाइसिस में आप लोगों को यह पता करना है कि क्या कंपनी AWS का क्लाउड सर्विस यूज करती है, S3 बकेट यूज करती है। ठीक है, ये हमको अभी बेसिक स्टेप पता करना है। अब इसको पता कैसे करोगे? इसको पता करने के लिए कोई बड़ा टूल नहीं चाहिए आप लोगों को, बेसिक सा टूल है, मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं क्या करता हूं, अब एक कंपनी है, ठीक है, figma.com, जो figma.com Amazon S3 यूज करती है, मुझे पता है कि वो करती है क्योंकि मैंने उसके ऊपर बग हंटिंग कर रखी एक टाइम पे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोगों को पता करना है कि कोई कंपनी Amazon का S3 बकेट यूज करती है या नहीं करती है, तो अब यहां पर कैसे पता करोगे? तो हम यहां पर लिखते हैं NSLookup। ठीक है, NSLookup करने से पहले हम पहले IP address फाइंड कर लेते हैं figma.com का। तो यहां पर IP address आप लोगों को मिल गया figma.com का 13.227.166.53, ये रहा, मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि लोगों को पता चल जाए। अब मैं यहां पर करूंगा NSLookup, इसके बाद मैं यहां पर IP address टाइप करूंगा 227.166.53 और एंटर प्रेस करूंगा। और आप लोग देखेंगे यहां पर आप लोगों को नेम में देखने को मिल रहा है क्लाउड फ्रंट। अब क्लाउड फ्रंट एक फायरवॉल है। अब ये फायरवॉल हम लोगों को देखने नहीं दे रही है कि क्या ये कंपनी S3 बकेट यूज करती है या नहीं करती है। ये कंपनी S3 बकेट यूज करती है, मुझे पता है, वो कैसे पता चला उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये कंपनी S3 बकेट यूज करती है। लेकिन यहां पर आप लोगों को नहीं दिखा रहा है कि क्या ये कंपनी S3 बकेट यूज करती है, ये हमको नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहां पर ये फायरवॉल है। क्लाउड फ्रंट आप सभी को पता है, क्लाउड फ्रंट क्या है, फायरवॉल है, जो आपको फायरवॉल के पीछे क्या क्या चीजें हैं वो हमको नहीं देखने देती है। तो एज ए अटैकर हम इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो ये क्लाउड मिसकॉन्फिगर नहीं है। लेकिन अब एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट के बारे में हम आने वाले वीडियोस में भी बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के लिए, क्लाउड सिक्योरिटी के लिए, तो वो वेबसाइट अमेज़न का वेब सर्विस यूज करती है, लेकिन उसको मिसकॉन्फिगर किया गया है। अब मैं यहाँ पर वेबसाइट का नाम अभी नहीं बताऊंगा, वो आने वाले पार्ट्स में, तो मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूं उसका रिजल्ट। अब अगर आप लोग आपके स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस को छुपा देता हूं, ठीक है, उसके बारे में आने वाले वीडियोस में बात करने वाला, ठीक है, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर बता दूंगा तो फिर उसके मजे नहीं रहेंगे, ठीक है, आने वाले वीडियोस में। तो यहां पर अगर आप नेम में देखोगे तो नेम में आप लोगों को अमेज़न AWS देखने को मिलता है। अब Amazon AWS यहां पर देखने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये कंपनी फायरवॉल यूज नहीं कर रही है, और अगर हो सकता है कि क्लाउड को इन लोगों ने अच्छे से कॉन्फिगर नहीं किया है, तो ये हमको दिखा रहा है कि हाँ हम AWS यूज करते हैं। तो ये हो गया पैसिव रिकॉग्नाइसिस। हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि क्या कोई कंपनी Amazon AWS यूज कर रही है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं पता करने के, लेकिन अभी आप बेसिक से सीख रहे हो तो बेसिक हम इतना ही जानते हैं कि इससे आप लोग ये पता कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पैसिव रिकॉग्नाइसिस। अब यहां पर आप लोगों को URL दिख रहा है S3 वेबसाइट US West 2 Amazon AWS.com। भैया अब ये है क्या, उसके बारे में बात कर। तो ये जो इस प्रकार की आप लोगों को वेबसाइट देखने को मिल रही है ना स्क्रीन के ऊपर, वो वेबसाइट कहलाती है AWS रीजन। AWS रीजन, हाँ, AWS रीजन। अब AWS रीजन क्या होता है, तो Amazon के खुद की वेबसाइट के ऊपर AWS रीजन का लिखा हुआ है डेफिनेशन, आप पढ़ सकते हैं। एंड AWS रीजन इज अ जियोग्राफिक लोकेशन वेयर AWS प्रोवाइड मल्टीपल फिजिकल सेपरेटेड एंड आइसोलेटेड अवेलेबिलिटी ज़ोन्स व्हिच आर कनेक्टेड विद लो लेटेंसी हाई थ्रूपुट एंड हाईली रेजिडेंट नेटवर्किंग। अब इसकी डिटेलिंग में नहीं जाना है। बेसिकली AWS रीजन जियोग्राफिक लोकेशन यानी कि उसकी जगह, ठीक है, अगर आप URL में फिर से देखेंगे तो URL में आपको दिखेगा US वेस्ट। तो US वेस्ट एक रीजन हो गया, तो रीजन AWS रीजन होता है, तो हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये URL है और ये US रीजन है। हमने रिकॉग्नाइसिस हमारा पैसिव खत्म कर लिया। अब बारी आती है एक्टिव रिकॉग्नाइसिस की। अब एक्टिव रिकॉग्नाइसिस को करने के लिए यहां पर हमारा मकसद है कि हम S3 बकेट्स को एक्टिवली फाइंड करें, ठीक है, जैसा कि हम Nmap में करते हैं, पैसिव रिकॉन होता है और एक्टिव रिकॉन होता है, सेम उसी तरीके से पैसिव रिकॉन में हमको AWS का जो URL है वो मिल गया। अब हमको मान लो कि एक्टिव रिकॉन से पता करना है कि क्या कौन से डिफरेंट डिफरेंट URL से क्या क्या चीजें हैं, तो हम यहां पर S3 बकेट्स के URL को फाइंड कर सकते हैं एक्टिव रिकॉग्नाइसिस में। इसको करने के लिए हम यहां पर आगे इसके बढ़ने कैसे करना है उसको सीखने से पहले यहां पर देख लो कि S3 URLs के कुछ इस तरीके के फॉर्मेट होते हैं। बकेट का नाम होता है, उसके बाद s3.amazonaws.com, ये डिफॉल्ट इसका एक फॉर्मेट होता है। अब अगर हम लोगों को यह पता करना है कि S3 बकेट्स के URL कितने हैं, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यहां पर बेसिकली इस तरीके का, मान लो कि URL का आपको Yahoo का S3 URL आपको पता करना है, तो Yahoo का S3 URL पता करने के लिए आप कर सकते हैं Yahoo बकेट रखकर देखो, ठीक है, बकेट नेम की जगह Yahoo एडमिन रखकर देखो, Yahoo प्रॉड रखकर देखो, Yahoo.id रखकर देखो, इस तरीके का करके देखो, ब्रूट फोर्सिंग करके देखो। लेकिन भैया ये कौन करेगा इतना सब, बहुत सारे अलग अलग नाम होंगे तो सब थोड़ा करेंगे हम, हजार नाम होंगे, हजार विजिट थोड़ी करेंगे हम। तो अब हम ब्रूट फोर्सिंग को करने के लिए ऑटोमेटिक टूल यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पर नहाम सेक का बनाया गया लेजी S3,
ठीक है, तो लेजी S3 करके एक उनका टूल है, उसको हम यूज कर सकते हैं ये काम करने के लिए। अब मैं यहाँ पर आपको इस टूल का बेसिक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ और मैं दिखा देता हूँ इसका यूसेज, बाकी डिटेल में हम बाद में वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे लिनक्स को विजिट करते हैं, लिनक्स में जाते हैं, यहाँ पर मैं अपने लिनक्स को विजिट कर लेता हूँ। और यहाँ पर अगर हम ब्राउजर को ओपन करेंगे, ठीक है, तो पहले तो मैंने यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर टर्मिनल में ओपन करूँगा firefox.google.com, और google.com में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर लेजी रिकॉन का गिटहब लिंक फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फायरफॉक्स जल्दी से ओपन होता है और ये यहाँ पर ओपन हो ही चुका है। अब यहाँ पर हम लोग अगर google.com पे जाएंगे तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं गिटहब और लेजी रिकॉन, ठीक है। तो गिटहब लेजी S3, ठीक है, तो ये भैया नाहमसेक ने बनाई हुई चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाहमसेक लेजी S3 पहला URL आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दूंगा, इस तरीके से फाइंड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर कोड में जाना है, कॉपी करना है, टर्मिनल में आ जाओ, ठीक है। मैं फायरफॉक्स को बंद कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर सीडी टूल्स में जाऊँगा, सीडी टूल्स में जाकर यहाँ पर मैं करूँगा गीट क्लोन और मैं यहाँ पर कर दूंगा लेजी S3.git, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेजी S3 को गीट क्लोन करवा रहा हूँ अपने काली लिनक्स सिस्टम के अंदर, आप भी इस तरीके से अपने सिस्टम में करवा सकते हैं, मैंने यहाँ पर करवा दिया। अब इसको यूज़ करने के लिए आप लोगों को ये देख लेना है कि आपके सिस्टम में APT इंस्टॉल रूबी करके देख लेना, अगर रूबी इंस्टॉल होगी, रूबी एक लैंग्वेज है जिसके ऊपर इस टूल को बनाया गया, ठीक है। तो हमारे पास सब कुछ सही है। अब मैं इसको विजिट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर करूँगा लेजी S3 को विजिट, अब LS प्रेस करूँगा, आप देखेंगे लेजी S3.rb है, तो इसको विजिट करने के लिए आपको लिखना होगा लेजी S3.rb और यहाँ पर yahoo.com आपका जो भी टारगेटेबल लिख दो। अब यहाँ पर मैं yahoo.com पे क्लिक करूंगा, ठीक है। लेकिन अब क्लिक करने से पहले मैंने फायरफॉक्स गलती से बंद कर दिया, फायरफॉक्स नहीं बंद करना था। मैं वहां पर आप लोगों को पहले इसकी जो लेजी S3 की, या फिर चलो फायरफॉक्स खुल ही गया तो हम फायरफॉक्स में देख लेते हैं। हम यहां पर लेजी S3 को विजिट करते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, मैं थोड़ा सा जूम हो सकता है तो कर लेता हूं, यहां पर आप देखेंगे तो ये फॉर्मेट है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया। अब यहां पर ये टूल क्या करेगा, यहां पर ये ब्रूट फोर्सिंग करेगा। ब्रूट फोर्सिंग करने के लिए भैया इसके पास अपनी खुद की एक क्या बोलते हैं वर्ड लिस्ट है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कॉमन बकेट प्रेफिक्स हैं, इसके अंदर सारे अलग अलग वर्ड लिस्ट हैं, बहुत सारी वर्ड लिस्ट है। तो ये क्या करेगा, यहां पर वर्ड लिस्ट देखते देखते रखेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं, आप देखेंगे 9013 जनरेटेड वर्ड लिस्ट है फाइल के अंदर से। अब यहां पर बकेट फाउंड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इसने देखो अभी स्टार्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहां पर वेट करता हूं, 2-3-4 रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर इसको होने देते हैं, मैं यहां पर थोड़ा सा वेट करता हूं, यहाँ पर इसको नहीं देते, तब तक ये सुनो मेरी बात। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पहले से प्ले करो, क्योंकि इससे बेहतर एक्सप्लेन करने का कोई भी तरीका नहीं है। मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको बताया, ठीक है, ये बाल्टी बाल्टी लेकर अच्छे से समझाया, तो प्रैक्टिकली इसी तरीके से समझा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई S3 बकेट URL एक्सेसिबल होगी तो यहाँ पर 403, 404 की जगह 200 ओके दिखाएगा, ठीक है। 403 यानी कि फॉरबिडन है, 404 यानी कि नॉट फाउंड होता है, और 200 यानी कि ओके होता है। 200 ओके यानी कि हाँ वो चल रहा है, और 301 होगा तो मूड परमानेंटली होगा। ये आपको पता होना चाहिए एज अ बग हंटर, एज अ पेंट्रेशन टेस्टर, और अगर बिगिनर ही हो तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत एडवांस टाइप की वीडियो है। तो यहाँ पर इस तरीके से अपना काम करेगा, ठीक है। अब आगे इसको और थोड़ा सा हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है, और डिटेल में नहीं घुसेंगे। इस तरीके से ये पूरा अपना रिजल्ट चलाएगा। मैंने अब इसको बंद कर दिया, तो ये सब बकवास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इस तरीके से आपको रिजल्ट दिखाएगा, और इस रिजल्ट के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि भैया कौन सी S3 बकेट की URL है वो अवेलेबल है। अब इसको पता चल गया, अब इसको तो इसको पता करने के बाद हमारा मकसद होता है इसको एक्सप्लॉइट करना, लेकिन वो एक्सप्लॉइट करना हम अभी नहीं देखेंगे। हम पहले मिसकॉन्फिगर बकेट्स का CTF सॉल्व करने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अगले पार्ट के अंदर। और मैं यहां पर क्यों सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भैया बिगिनर हो आप लोग, क्लाउड सिक्योरिटी को अभी अभी सीख रहे हो, सब कुछ एक साथ मैं आप लोगों को सिखा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो को पहले अच्छे से एक बार फिर से देख लो, अगर समझ में नहीं आया है जो जो चीजें मैंने बताई। मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं पूरी वीडियो को। हमने पहले सीखा कि अमेजन AWS 3 होता क्या है, बकेट्स क्या होता है, फिर बकेट्स के हमने देखे कि मिसकॉन्फिगर क्यों हो जाते, वो मोहतरमा थी, वो मिसकॉन्फिगर कर रही थी। अब मिसकॉन्फिगर अगर उन्होंने कर दिया तो हम एज अ अटैकर, एज अ बग हंटर, हम वो बग कैसे फाइंड कर सकते हैं। बग फाइंड करने के लिए सबसे पहले पैसिव रिकॉन करना पड़ता है। पैसिव रिकॉन करने में हमने NS लुकअप का यूज किया। NS लुकअप से अगर फायरवॉल नहीं होगा, अगर मिसकॉन्फिगर होगा क्लाउड, तो हम लोगों को वो URL मिल जाएगा, ठीक है। तो वो पैसिव रिकॉन का फेस था। उसके बाद हमने एक्टिव रिकॉन देखा। एक्टिव रिकॉन के अंदर अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो हम लेजी S3 का यूज कर सकते हैं। लेजी S3 एक फॉर्मेट जो होता है अमेजन AWS का, उस फॉर्मेट के अंदर ब्रूट फोर्सिंग करता है, वर्ड लिस्ट रखता जाता है, और वहां से अगर हम लोगों को URL मिलता है तो वो URL हमारे काम का होता है। अब आगे हम एक्सप्लॉइट कैसे करना है इस चीज को, वो हम आने वाले वीडियोस में प्रैक्टिकल CTF सॉल्व कर देखेंगे। एकदम लाइव डेमो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, Amazon S3 का यूज करेंगे, रियल लाइफ में हम बकेट को देखेंगे, ठीक है। ये वाली बकेट नहीं होगी अगली वीडियो में, रियल बकेट की हम बात करेंगे, और बहुत कुछ धमाल करने वाला, वो वीडियो जल्दी आ जाएगी, कल या फिर अगले हफ्ते आ जाएगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी व्हाट आफ्टर रिकॉन, उसको बहुत सारे लोगों ने शेयर किया ट्विटर पर। आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स अलॉट इतना प्यार देने के लिए। इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हो क्लाउड सिक्योरिटी का नाम देकर, और
AWS 3 बिगिनर्स के लिए सीखने का नाम देकर इसको शेयर कर सकते हो। कोई भी अगर प्रोफेशनल आदमी देख रहा है मेरी वीडियो को तो प्लीज इसको शेयर करके थोड़ा सा हमारे इंडियन कम्युनिटी को हेल्प कर देना। तो ये वीडियो के लिए इतना रखते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। वो कमेंट मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में और मैं आप सभी के कमेंट को हार्ट देने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, अपने आपको छोटा मत समझ लेना, मैं अपने आपको बड़ा नहीं समझ लूंगा, हम अपने भाई भाई एक कमेंट कर देना, मेरे को अच्छा लगेगा। ये वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।